जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 15 नवंबर के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो आप विजिट कर सकते हो studyiq.com या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे t.me/mayurmogre इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है कि जियो सिंक्रोनियस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कौन से कॉमन फीचर्स है, कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, डिफरेंस नहीं है, कॉमन चीज़ें कौन सी है पूछी गई है। तो पहला, ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं होता है, मतलब जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनियस दोनों का ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं होता है। तो देखिए गलत है, एक का सर्कुलर होता है, एक का इलिप्टिकल होता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। जियो स्टेशनरी जो है वो सर्कुलर हमें नज़र आ रहा है, जियो सिंक्रोनियस जो है वो इलिप्टिकल नज़र आ रहा है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं ऑर्बिट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होता है। अब अगर आप जियो स्टेशनरी देखोगे तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में नज़र आ रहा है, जियो सिंक्रोनियस देखोगे तो ये इंक्लाइंड नज़र आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। और तीसरा आता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की वो इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी जो अर्थ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। मतलब क्या है इसका, कि जितना वक्त अर्थ रोटेट होने में लगाती है उतना ही वक्त जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ही रिवॉल्व होने में लगाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अर्थ एक दिन में रोटेट होती है पूरी तरीके से, और जो सैटेलाइट है वो भी रिवॉल्व होने में अर्थ के बहुत ही एक दिन लगाता है। इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो अगर देखा जाए तो एक जगह हमें स्थिर नज़र आता है, स्टेशनरी नज़र आता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। अब देखिए, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, और फिर जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट होता है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या है, जो 2000 किलोमीटर के आसपास हमें नज़र आता है, 2000 से लेकर 36000 किलोमीटर तक जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है वो नज़र आता है, और फिर 36000 किलोमीटर के ऊपर हमें जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट जो है वो नज़र आता है। अब दोनों भी ऑर्बिट वहाँ पर सेम है जो हम दूरी की बात किए तो, और ये इक्वेटोरियल इस पर होता है जियो स्टेशनरी, और जियो सिंक्रोनियस जो है वो इंक्लाइंड होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब स्टेट की जो पावर है टैक्सेशन की वो चली गई है कुछ हद तक, क्योंकि देखिए GST जो है पहले क्या हुआ करता था, स्टेट वैट लगाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, GST ने ये सारे जो टैक्सेस है, वैट टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्सेस, सब सब्स्यूम कर लिए हैं। तो अब स्टेट की जो पावर है टैक्सेस लगाने की वो फॉरगॉन हो चुकी है, वो चली गई है कुछ हद तक। और उसी तरीके से लेकिन जो स्टेट है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से टैक्सेस जो है वो लेवी कर सकता है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा आता है कि अगर सेंटर जो है वो कोई भी एलोकेशन जो GST काउंसिल के द्वारा बनाए गए हैं उसे मानने से रिफ्यूज़ करता है, या फिर जो स्टेट है वो अग्रीव्ड है, पीड़ित है जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उसके द्वारा, तो एट प्रेजेंट जो स्टेट के पास एक सोल्यूशन है वो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और तीसरा है कि जो प्रोविजन है अग्रीव्ड स्टेट के कि वो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे चैलेंज कर सकता है कुछ ग्राउंड पर, और जो भी रिकमेंडेशंस है उसे मैंडेटरीली एनफोर्स करवा सकता है, तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो जवाब रहेगा 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सेशन पावर जो है ये कुछ हद तक चली गई है स्टेट की, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्सेस है वो सब्स्यूम कर लिए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने। अगर हम आर्टिकल 269A देखते हैं संविधान का, तो जो भी रिकमेंडेशंस है, मतलब पावर जो है रिकमेंडेशंस देने की, जो टैक्सेस शेयर होते हैं इंटरस्टेट ट्रेड के द्वारा, वो GST काउंसिल को दिए गए हैं, ना कि फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन के पास क्या पावर है कि सेंटर के पास जो पावर आ रहा है वो डिवोल्यूएट किस तरीके से होगा, मतलब स्टेट के पास किस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट जो है ये पहचानना है। पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने ट्राइकलर होस्ट किया था पहली बार सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर पर। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे आपको पोर्ट ब्लेयर जो है वो नज़र आ रहा होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो लिबरेट किया गया था ब्रिटिश रूल से जापान के द्वारा। अब ये कैप्चर किया गया था World War I के टाइम पर, तो अब यहाँ पर World War I जो है मतलब 1914 से 1918 तो ये नहीं है, ये World War II के वक्त हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। पहला बिल्कुल सही है,
तीसरा अगर हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंदमान आइलैंड को नाम दिया था शहीद और निकोबार आइलैंड को नाम दिया था स्वराज, तो ये बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा 1 और 3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो नॉर्थ अंदमान है, मिडिल अंदमान है, साउथ अंदमान है वो नज़र आ रहा होगा, और ये जो खास जो आइलैंड्स है जैसे पोर्ट ब्लेयर है, हैवलॉक आइलैंड है, तो ये जो है रॉस आइलैंड है, तो इन्हें एक नामकरण किया गया है इनका। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनका जो नया नाम है वो क्या है? तो जो भी आइलैंड्स के नामकरण किए गए हैं 3 इसके, तो उसके आप नाम मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ट्राइकलर होस्ट किया गया था उसकी 75th एनिवर्सरी, उस पर 75 कम्यूमरेटिव कॉइन्स जो है वो लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेडारण्यम रेंज में है, वो एक वीक के लिए क्लोज था क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग जो है वो हुआ था, जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है और रामसर साइट है, और ब्लैक बग जो है ये फ्लैगशिप स्पीशीज है इस सेंचुरी की। तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है तमिलनाडु, यहाँ पर आपको पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए ब्लैक बग जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ब्लैक बग जो है वो स्टेट एनिमल है पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का, और ये किस स्केड्यूल में दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कौन सा सही है आपको बताना है। ये फुल्ली कन्वर्टिबल है कैपिटल और करंट अकाउंट पर, ये फुल्ली कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट पर और पार्शियली कन्वर्टिबल है कैपिटल अकाउंट पर, ये पार्शियली कन्वर्टिबल है दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट पर, और फुल्ली कन्वर्टिबल है कैपिटल अकाउंट पर, पार्शियली कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट पर। तो अगर हम कन्वर्टिबिलिटी देखते हैं इंडियन रुपीज़ की, तो ये फुल्ली कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट पर और पार्शियली है कैपिटल अकाउंट पर, तो बी जो है इसका सही जवाब रहेगा। अभी किस तरीके से होता है ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर माल्या को अगर कोई गाड़ी खरीदनी है जो $10 लाख की है फॉरेन मार्केट की, अब जब इसे खरीदनी है तो ऑब्वियस है कि इसके पास क्या है, इसके पास है रुपीज़, लेकिन इसको रुपीज़ में खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, इसे डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा SBI के पास, बोलेगा मेरे पास इतने इंडियन रुपीज़ है, मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे कन्वर्ट करके दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर SBI को तो सीधा कैश मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, SBI कैश लेगी और जितना इसको चाहिए $10 लाख जो है वो कन्वर्ट करके इसके पास दे देगी। तो यहाँ पर वो एक गाड़ी की जगह अगर 4 गाड़ियाँ खरीदना चाहता है तो ये इतना पैसा बैंक को देकर बैंक उसको उतना कन्वर्ट करके देगी क्या, फुल कन्वर्ट करके देगी क्या, तो जी हाँ, क्योंकि ये क्या है, गाड़ी अगर हम देखते हैं तो ये आता है करंट अकाउंट में, तो इसीलिए यहाँ पर ये फुल्ली कन्वर्टिबल है, मतलब जितनी कार मान लिया वो खरीदनी है उतनी कार खरीद सकता है, कितना भी कन्वर्ट कराना है पैसा तो उतना कन्वर्ट करा सकता है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पर अब किंग फिशर जो है उसे फिर से उड़ाना है, तो फिर से उड़ाने के लिए अब ये बोल रहा है कि मेरा भांडा बचा लो, मेरा जो फ्लाइट है वो बचा लो, तो यहाँ पर वो जाता है SBI के पास, बोलता है कि मुझे लोन चाहिए। अब लोन जब चाहिए इसे तो SBI मना कर देती है, बोलते हैं यार तुम तो बिल्कुल डिफॉल्टर, हम तुमको देंगे नहीं, तो फिर क्या करता है, फॉरेन इसमें जाता है, मतलब जाता है बैंक ऑफ चाइना में। अब बैंक ऑफ चाइना जो है वो बोलती है कि ठीक है हम तुमको लोन देने के लिए तैयार है। अब ये जो बैंक ऑफ चाइना है ये इसे डॉलर में लोन दे रही है, अब डॉलर से इसे किंग फिशर को चलाना है तो ऑब्वियस है कि रुपी में चलाना पड़ेगा ना, डॉलर में थोड़ी चला सकता है, इंडिया में डॉलर थोड़ी चलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा, ये कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब इसके बाद डॉलर तो बहुत सारे आ गए हैं, लोन के जरिए आए हैं, हाँ ये जो है ये कैपिटल हो गया, क्योंकि लोन जो है ये कैपिटल इसमें आता है, तो इसलिए अब कैपिटल अकाउंट के इसमें इसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो अब ये जितने भी इसको डॉलर मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर $5 लाख जो है वो मिले हैं, तो $5 लाख जो है वो SBI के पास जाता है, तो ये पूरी तरीके से रुपी में तब्दील करके देंगे क्या, तो नहीं, यहाँ पर ये पार्शियली देते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं देते हैं, जहाँ पर करंट अकाउंट आता है तो कैपिटल अकाउंट आता है, तो करंट और कैपिटल इसमें आपको फ़र्क पता रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर पार्शियली है कैपिटल के लिए और फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी है करंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एशियन प्रीमियम, ये न्यूज़ में चल रहा था, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि ओपेक कंट्रीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एशियन कंट्रीज से ऑयल सेलिंग के वक्त। अब यहाँ पर ओपेक जो है इसके बारे में भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है।
ओपेक मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये फाउंड की गई थी 1960 बगदाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है वेना ऑस्ट्रिया में, और उसी के साथ साथ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। और यहाँ पर मेंबरशिप जो है, काफ़ी लोगों की यहाँ पर मेंबरशिप है और अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिंगापुर इश्यूज। ये किससे एसोसिएटेड है, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से? तो ये एसोसिएटेड है WTO से। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1945 में। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में। अब सिंगापुर इश्यूज जो है ये लिस्ट है उन सब्जेक्ट्स की जो कि टेबल की गई थी वेस्टर्न स्टेट्स के द्वारा US और EU के द्वारा WTO कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1996 में हेल्ड की गई थी सिंगापुर में। और इसके कौन से इश्यूज थे, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और कॉम्पिटिशन पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी जो होती गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, ट्रेड फैसिलिटेशन, लेबर लॉज, और ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके द्वारा अपोज किया गया था। अब एक्सटर्नल सेक्टर में कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो रेमिटेंसेस, रेमिटेंस मतलब क्या है? गिफ्ट। दूसरा आता है इंडियन ओपनिंग बैंक अकाउंट इन फॉरेन कंट्रीज। अब भारतीय अगर कोई फॉरेन कंट्री में अपना अकाउंट खोलता है, या फिर इन्वेस्टिंग अब्रॉड बाय इंडियंस, अब कोई इंडियन है वो बाहरी देश में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब देखिए, हमने देखा था कि जब हमने माल्या का एग्जांपल देखा था कि अगर वो कार ले रहा है तो वो काय में आ रहा है, करंट इसमें आ रहा है। और अगर वो कोई लोन ले रहा है, मतलब लोन मतलब क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई है ना, इन्वेस्टमेंट तरीके से, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल इसमें आ रहा था। तो अब ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट काय में आएगा, तो गिफ्ट को हम रिलेट कर सकते हैं कार से, है ना। तो ये काय में आएगा, ये आएगा करंट इसमें। वही अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वहाँ पर पैसा जा रहा है, वहाँ पर कई दिनों के लिए पैसा जा रहा है, तो ये कैपिटल इसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो बैंक कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगी उस कंट्री में। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करता है कोई इंडियन, तो वो तो कैपिटल इसमें ही रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगे, मतलब कैपिटल इसमें रहेंगे, और ये जो है ये करंट इसमें रहेगा। तो ये गलत हो जाता है, जवाब रहेगा 2 और 3। अब यहाँ पर करंट अकाउंट में क्या क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पेमेंट्स, जो भी इंटरेस्ट होता है लोन पर, रेमिटेंसेस, ट्रैवल, एजुकेशन। कैपिटल में क्या आता है, अगर कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, कोई एसेट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब कैपिटल इसमें आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टर्टल्स अलायंस के बारे में। तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि कमिटेड है जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन में 21st सेंचुरी में। ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं, फॉर्म की गई थी 2001 में एज एन IUCN पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टॉर्टोइज़। तो ये भी बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा बोथ 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्टल सर्वाइवल अलायंस, ही फॉर्म किया था 2001 में एज IUCN पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टॉर्टोइज़। अब यहाँ पर टर्टल जो है उनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या जो है वो बढ़ना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाया गया है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो ऑपरेशन कर्मा ये किससे रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब पैवूर उलिया ये आइलैंड किस रिवर पर है? तो ये है नेत्रावती रिवर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइलैंड है नेत्रावती रिवर पर। अब यहाँ पर नेत्रावती रिवर आपको नज़र आएगा, कर्नाटका जो है वहाँ का, यहाँ पर मैंगलोर जो है वहाँ से नेत्रावती रिवर जो हमें देखने को मिलती है, ये उसका पूरा कैचमेंट एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वॉरेन हास्टिंग ने एनुअल लीज सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी, मतलब जो लैंड होती है उसका ऑक्शन करना, उसे नीलाम करना हाईएस्ट बिडर को, ये वॉरेन हास्टिंग ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, तो ये भी बिल्कुल सही आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था, तो दोनों जो है इसके बिल्कुल सही जवाब है। अब परमानेंट सेटलमेंट जो है ये सबसे पहली बार बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस की गई थी, फिर उसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे मद्रास है, वाराणसी है, वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, रायतवारी और महलवारी सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, जमींदार से वो पैसे जो है वो कलेक्ट करते थे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो जमींदार जो है उन्हें ओनर माना जाता था लैंड का, और वो उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलरली रेवेन्यू पे करते थे। जब तक वो पे करेंगे तब तक वो उस लैंड के ओनर जो है वो बने रहेंगे। कंपनी को 89% मिलता था, जो बाकी का बचा हुआ है वो जमींदार अपने पास रखता था।
तो ये हमारे वीडियो का एंड। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उससे काफ़ी हेल्दी जो हमारा नॉलेज है वो बनता है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।